खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। कहते हैं लोकतंत्र में सबके लिए समान अधिकार होते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसमें समानता के अधिकार की बातचीत की गई। वहीं इसी क्रम में प्रदेश व केंद्र सरकार भी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कहती है ये सरकार गरीबों की, नीचे तबके के लोगों की, आम जन की सरकार है। बावजूद इसके भी कानून के रखवाले और सरकार के मातहत उनके इस बातों की हवाइयां उड़ा रहे हैं। जी हाँ, ताजा मामला है वाराणसी का, जहां पर वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में एक मजबूर गरीब परिवार अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा और उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा, इसके बावजूद भी अभी तक उसको न्याय नहीं मिल सका है। देखें ये रिपोर्ट। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित नीरज पाल वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र का निवासी है। परिजनों की माने तो बीते 9 जनवरी को नीरज के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। परिजनों की माने तो उन्होंने मामले के तहत वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में FIR भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर परिजनों ने बुधवार को वाराणसी के वरुणापल्ली स्थित शास्त्री घाट पर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बाबत परिजनों का कहना था कि हमने कई बार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। हमें समझ नहीं आता, जब हमने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था और प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा था कि इन तीनों व्यक्तियों ने मेरे भाई के ऊपर हमला किया, इसके बावजूद भी अब तक प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। मेरा भाई कोमा में है, वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा, उसका देख रेख कौन करेगा। परिजनों का स्पष्ट तौर पर यह कहना रहा कि यदि मेरे भाई के साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। मेरे भाई को सुरक्षा की सख्त ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। यदि हमारी मदद नहीं होती है तो हम मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। मेरा नाम सूरज पाल है, ग्राम छाई दुर्गा भवानी सारनाथ वाराणसी। एक हफ्ता पहले मेरे भाई को 3-4 लोगों ने मिलकर धमकी दी थी और उसके 2 दिन बाद उसको मार दिया गया है और वो अधमरा कि मतलब कि मरने के कगार पे भेचू ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में ICU में इमरजेंसी सेवाओं में भर्ती है अभी तक। और प्रशासन में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उन्होंने खाली उन लोग से पूछताछ करके छोड़ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, क्योंकि उन लोगों को पकड़ा गया, 6-7 घंटा बैठा के फिर छोड़ दिया गया है। आपको किसी पे शक है? किसी पे शक है ललित पांडे, मनीष शर्मा, राजन राजभर, इन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, फिर पकड़ के फिर छोड़ दिया गया है इन लोग को। आपने इसके अलावा कहीं और एप्लीकेशन दिया है किसी और अधिकारी से? SSP जी को दिया है आज एप्लीकेशन हम लोगों ने। इसमें थाना अध्यक्ष का क्या रवैया रहा आपके मामले में? थाना अध्यक्ष हम लोग गए वहाँ पे तो वो हम लोग को डांट, हम लोग मतलब कि सब लोग गए थे, पूरे मेरे गांव के लोग भी गए थे वहाँ पे, हम लोग गए तो हम लोग को डांट के भगा दिया गया, बोला कि हम तुम लोग का ठीका लिए हैं क्या यहाँ पे, जब चले आते मुंह उठा के यहाँ पे, यही सब बात करके हम लोग को भगा दिया गया। आपकी प्रशासन से क्या मांगे हैं? प्रशासन से मांगे ये है कि उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, मेरे भाई के साथ अभी कुछ भी अनहोनी हो सकता है, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को सुरक्षा में रखा जाए और उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसका जान अभी भी खतरे में है, वो तो अभी ICU में है, कोमा में है, या तो उसको होश आएगा तो फिर भी वो लोग अभी तो बाहर ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन से हमको मांग है कि उसकी सुरक्षा की जाए और मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि लगातार फ़ोन से धमकी भी हमको मिला हुआ है कि तुमको भी मारेंगे, आओ रिंग रोड पे आओ, यहाँ वगैरह वगैरह आओ, तुमको भी मारेंगे, तुम मेरे भाई को जान को ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरा अभी तक हॉस्पिटल में भी हो सकता है। महेंद्र पाल पिंटू, राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल समाज। किसलिए आप लोग धरने पर बैठे हैं? हम लोग आज लगभग 6वां दिन हो गया, अपने समाज के एक बेटों को बुला करके कुछ लोगों ने इतना मार मारा, उसको अधमरा हालत की स्थिति में छोड़ करके उसको सारे लोगों ने चले गए। हम लोगों ने, पाल समाज के लोगों ने लगातार, आज 6वां दिन है, यशो से मिला गया, CO से मिला गया, सारे अधिकारियों से मिलने के बाद कोई कार्रवाई न होने के बाद सत्ता में बैठे हुए कुछ मंत्रियों विधायकों के साथ पर कार्रवाई न होने के कारण हम लोगों ने, इपाल समाज के लोगों ने लामबंद होकर के आज धरने पर बैठने का काम किया है।
आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी? आगे अगर उन दोषियों के खिलाफ प्रशासन के लोग अगर कार्रवाई नहीं किए, हम लोगों ने इपाल समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का काम करेंगे। यशो से बात हुई? यशो से मेरी बात हुई। यशो ने जो नाम दिया गया था, जो परिवार के लोगों ने नाम दिया, दो तीन लोगों को उठाया और उसके बाद एक आध घंटे बैठाने के बाद सारे लोगों को छोड़ दिया गया। अभी हम लोगों ने जा करके एसएसपी को ज्ञापन दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब परिणाम कुछ भी होगा, इपाल समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का काम करेंगे। आप लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे क्या करेंगे? हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग लखनऊ तक, दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। थाने पर गए तो कोई कार्रवाई नहीं किए, हम लोग को धक्के मार कर बाहर निकाल दिए। कहे क्या तुम लोग खातिर फांसी लगा लूँ? क्यों तुम लोग नहीं सुनेंगे हम लोग को? हम लोग भाग बार बार भगा दिए, हम लोग चले आए, क्या करूँ? पूरा मामला क्या था, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हुए, क्यों थाने पे गए थे? इसीलिए गए थे, आए हैं कि हमारे लड़का को मार कर फेंक दिए गए हैं, इसीलिए आए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग थाने पे गए। कानून सबके लिए है, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है हम लोगों की, तो क्या करूँ? इसी यहाँ पर आए हैं इसीलिए।